नमस्कार, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल में साबूदाने की खिचड़ी। तो फिर चला जाए नीरू की रसोई में। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने एक बड़ा बाउल लिया है और एक कप साबूदाना लिया है। साबूदाना भी कई साइज का आता है, हमने बड़े साइज का साबूदाना लिया है। इसको बाउल में डाल देंगे और अच्छे से साफ पानी डाल के दो से तीन बार इसको धोएंगे। इस तरीके से हाथ से मसल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा। अब इस पानी को छान लेंगे। आज हम खिचड़ी बनाने में कुछ ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करेंगे जिससे साबूदाने की खिचड़ी बहुत बढ़िया खिली खिली बनेगी। साबूदाना अच्छे से छन चुका है, इसको बाउल में डाल देंगे। उतना ही पानी डालेंगे कि बस ये साबूदाना भीग जाए, एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करेंगे। देखिए बिल्कुल भी ज्यादा पानी नहीं है, बस अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगा के इस तरीके से ढक के रख देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, 7 घंटे हो गए हैं। देखिए है ना खिला खिला, एकदम मोती की तरह साबूदाना। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए अंदर तक एकदम नरम हो गया है, ये बहुत बढ़िया बन गया जितना हमको चाहिए था। अब इसको साइड में रख लेंगे। अब एक पैन में हमने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी डालने से साबूदाने की तहरी का स्वाद खिचड़ी का बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसमें हमने 1/2 कप मूंगफली लिया, इसको इस तरीके से भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस ये भून गई है, अब इसको आधी आधी इस तरीके से कर लेंगे, आधी साबुत रखेंगे और आधी मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए ये छिलके सारी मूंगफली के निकाल लिए हमने, जो आधी अलग करी थी। अब मिक्सी जार में इसको डाल के दरदरा पीस लेंगे। अब हम क्यों पीस रहे हैं हम ये आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तरीके से दरदरा ही रखना है, महीन नहीं करना है। अब ये जो साबूदाना भीगा हुआ था इसमें पीसी हुई मूंगफली मिला देंगे। इसलिए मिला देते हैं क्योंकि साबूदाने पे जो ये कोट हो जाएगी ना इस तरीके से, तो खिली खिली बनेगी, साबूदाना आपस में चिपकेगा नहीं। इसको भी साइड में कर लेते हैं। अब एक बड़ा पैन लेना है जिसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाला है और 1 बड़ा चम्मच जीरा डाला है। एक बड़ा चम्मच कद्दूकस करी हुई अदरक डाली है। इसको इस तरीके से सौते कर लेंगे। दो मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है जिसके इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसको भी थोड़ा हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। देखिए हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी हरी मिर्च बारीक काट के डाल देंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर जिसके बीज हमने निकाल दिया है, और इस तरीके से देखिए हो गया। अब इसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे। लो, व्रत का आइटम बनाने में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है, इन चीज़ों में से कुछ चीज ऐसी होती है जो हर के घर में व्रत में नहीं खाई जाती। कोई बात नहीं, आप उन्हीं चीज़ों को डालिए जो आपके घर व्रत में खाई जाती है। अब इसमें जाएगा ये जो साबूदाना हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। अब इसमें सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि व्रत में सेंधा नमक का ही यूज करते हैं, और जो बची हुई मूंगफली थी वो इसमें डाल देंगे। डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और एक चम्मच नींबू का रस। अगर आप टमाटर नहीं डाल रहे हैं तो इस जगह पर आप दो चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली मोती के दाने इस तरीके से साबूदाने के हो गए हैं। बहुत बढ़िया खिचड़ी बन गई है। बाकी आप बिना व्रत के भी सारे आइटम डाल के बनाइए, बहुत ही लाजवाब बनेगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नवरात्रि स्पेशल में अगली वीडियो के साथ।